गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक में दी हुई कविता प्रभु हमको वर दे दो का वर्णन करेंगे। ये कविता सुप्रसिद्ध कवित्री इंदुमती द्वारा लिखी गई है। इस कविता में सृष्टि की रचना करने वाले भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि हे भगवान, तुम्हारे बिना प्रकृति की शोभा असंभव है। इस प्रकृति की सुंदरता तुम्हारे कारण ही सुशोभित हो रही है। सूरज को तुम चमका देते, चंदा को तुम दमका देते, मारुत बन तुम ही बहते हो, फूलों को तुम महका देते। इन पंक्तियों में कहा गया है कि सूर्य का उजाला तुमसे ही प्रकाशमान है तथा चंद्रमा की चांदनी तुमसे ही है। तुम ही हवा बनकर लोगों को जीवन प्रदान कर रहे हो। प्रकृति में सुशोभित इन सुंदर फूलों में सुगंध तुम्ही से फैल रही है। बहती नदियां, गहरे सागर सभी तुम्हारी ही हैं रचना। नीला अंबर, ऊंचे ग्रीवर बिना तुम्हारे हैं बस सपना। इन पंक्तियों में कहा गया है कि बहती हुई नदियां और अनंत एवं असीम सागर की गहराई सब तुम्हारी ही बनाई हुई रचना है। ये नीला आकाश, ऊंचे ऊंचे पर्वत सब तुम्हारी ही रचना है। अगर तुम ना होते तो ये सुंदर प्रकृति हमारे लिए बस एक सपना मात्र ही रह जाती। शाखाओं पर बैठे पाखी सदा तुम्हारे ही गुण गाते और तुम्हारे करुणा जल को सेवक बादल हैं बरसाते। इन पंक्तियों में कहा गया है कि डालियों पर बैठे पंछी भी तुम्हारे ही गुण गाते हैं। बादल वर्षा के रूप में दया रूपी जल हम पर बरसाती रहती हैं। प्रभु हमको ऐसा वर दे दो, हम भी मेधावी बन जाएं, दुर्गुण त्यागें, गुण अपनाएं, आँखों के तारे कहलाएं। अतः हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दे दो ताकि हम भी ऐसे बुद्धिमान और ज्ञानवान बन सकें जिससे कि अपने सारे गलत कार्यों को छोड़ सकें और तुम्हारी तरह उदार बनकर तुम्हारे प्यारे बन जाएं। यहाँ सूरज से अभिप्राय सूर्य से है, चंदा चंद्रमा के लिए कहा गया है, मारुत हवा के लिए प्रयोग किया गया है, फूल पुष्प के लिए, नदी सरिता के लिए और अंबर आकाश के लिए प्रयोग किया गया है। एक मुहावरा भी दिया हुआ है, आँखों का तारा, जिसका अर्थ है प्यारा होना। आज हम इतना ही वर्णन करेंगे, आगे हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे।